ओके सो स्टूडेंट्स, जब कनेक्ट होते हैं जल्दी से आप लोग हो जाएं ताकि कम बच्चे हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, ओके तो स्टूडेंट्स, जब सब कनेक्ट हो जाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी कनेक्ट हो जाएं आप लोग, देन फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो क्या वजह है कि कनेक्ट नहीं कर रहे? चलें, नेक्स्ट सेशन आपका जब ख़त्म होता है जल्दी से कनेक्ट करें।
अपने ग्रुप में मैसेज कर दें ताकि सब लोग कनेक्ट करें, ठीक है। ओके सो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपने लेसन को। स्टूडेंट्स जब ज्वाइन करेंगे तो हम उसको बीच में ऐड अप करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर किस तरह से UDP के ज़रिए काम होता है, देन TCP के ज़रिए से हमने रिलायबल डेटा डिलीवरी के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि TCP जो है रिलायबली डेटा की डिलीवरी को यकीनी बनाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास सिलसिला था, ठीक है। तो ओके बेटे, अपने ग्रुप्स के अंदर भी कांटेक्ट करके मैसेज कर दें सब लोग के ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्लास शायद लेट हो गए हैं लेकिन यह है कि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं ना, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसके अंदर से फ़ायदा उठा सकें। अदरवाइज ये है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट लेक्चर है तो इसमें से चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है। ओके सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ, हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर किस तरह से रिलायबल डेटा डिलीवरी मुमकिन होती है, TCP प्रोटोकॉल किस तरह ये काम करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, हमने लास्ट टाइम जो है प्रोटोकॉल पढ़े थे जिसके अंदर से स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल था, ठीक है। इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। रिवीजन करने से ये आपको अच्छी हो जाएगी, ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है।
एंड देन फिर हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, ठीक है? ओके, ये गो बैक एंड हो गया, ये हो गया, ठीक है। ओके, सो स्टॉप एंड वेट का क्या प्रोसीजर था, याद रखिएगा। पाइपलाइनिंग या स्लाइडिंग विंडो के जो फ्लो कंट्रोल के हम है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। पहले हम देखते हैं कि स्टॉप एंड वेट जो हमने पढ़ा था वो क्या था, ठीक है, और उसको लेके आगे चलते हैं। ओके, स्टॉप एंड वेट के अंदर हमने ये कहा था कि जो सीक्वेंस नंबर है उसके लिए एक बिट जो है रिजर्व की गई है, ठीक है। सो सीक्वेंस नंबर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो जब पैकेट, और दूसरा असूल ये था कि अगर एक पैकेट रिसीवर को रिसीव होगा तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है, और जब रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो सेंडर जो है अगला पैकेट जो है वो सेंड करेगा, यानी पैकेट 1 सेंड करेगा, ठीक है। इसी तरह जो अगले पैकेट होंगे फिर उनको 01 नंबर दे देगा, ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, पैकेट 0 को सेंड करेगा और पैकेट 0 के एक्नॉलेजमेंट आएगी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से यानी सेंडर क्या है, वो जब डेटा सेंड करेगा तो वो स्टॉप कर देगा ट्रांसमिशन को और वेट करेगा कब तक, जब तक कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो जाती। ये मेथड था आपका स्टॉप एंड वेट का, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि स्टॉप एंड वेट के अंदर अगर कोई एरर आता है, ठीक है, तो याद होगा आपको लास्ट टाइम हमने 3 तरह के एरर्स की बात की थी। एक हमने कहा था कि कोई फ्रेम लॉस्ट हो जाए, पैकेट लॉस्ट हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाए। नंबर 3, कोई डैमेज फ्रेम रिसीव हो, ठीक है। सो ये 3 चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें हम ये कहते हैं कि पैकेट 0 जो है वो सेंड हुआ, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट 0 आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि पैकेट नंबर 1 सेंड किया, ठीक है, सेंडर ने, और ये किसी वजह से नॉइजी चैनल की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ, ये पैकेट डिलीट हो गया, लॉस्ट हो गया, ये यहाँ पहुँचा ही कोई नहीं रिसीवर तक, ठीक है। जब रिसीवर को ये पैकेट नहीं मिला तो एक्नॉलेजमेंट भी जाहिर बात है नहीं भेजेगा, तो सेंडर कितनी देर तक वेट करेगा, ठीक है। सेंडर एक टाइम आउट है जिसे TTL बोलते हैं, टाइम टू लिव, इतनी देर तक वो वेट करेगा, ठीक है। जब ये टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो इसी पैकेट को, यानी जो पैकेट वो भेज रहा था, यानी 1 नंबर पैकेट, उसी पैकेट को रिट्रांसमिट कर देगा, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट उसकी जब आएगी तो देन फिर अगला पैकेट भेजेगा एंड सो ऑन, ठीक है। उम्मीद है कि ये पैकेट लॉस्ट आपको समझ आ गया होगा कि कैसे पैकेट लॉस्ट को हैंडल किया जाता है। अगली चीज है एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट। अगर पैकेट 0 आया, उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई, ठीक है, तो ये ओके हो गई बात, ठीक है। ये जो चीजें हैं याद रखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं पहले वाले की बात कर रहे हैं, कोई ये नई चीज नहीं हम बात कर रहे, ठीक है, याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं। अच्छा बेटे, अपने ग्रुप में भी मैसेज कर दें ताकि स्टूडेंट्स ज्वाइन करें। क्या वजह है, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे स्टूडेंट्स, शायद भूल गए हैं कि क्लास है, ठीक है। टाइम टेबल अपना जहन में रखें और इसको रीज्वाइन करें, ठीक है, और भूलना नहीं है, ठीक है, ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर चल रहा है और स्टूडेंट को बताएं कि ये ज्वाइन करें सब। अच्छा, अब हमने बात की कि अगर पैकेट 1 यहाँ रिसीव तो हो गया है, जब रिसीव होगा तो ऑब्वियसली जो रिसीवर है ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, लेकिन क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट भी तो एक सिग्नल है ना, वो लॉस्ट हो गया किसी वजह से। अगर वो लॉस्ट हुआ तो सेंडर को नहीं पहुंचा, तो अगर सेंडर को नहीं पहुंचा तो सेंडर जो है एक्नॉलेजमेंट के लिए कितनी देर वेट करेगा, ठीक है, तो वो TTL के लिए वेट करेगा। अगर उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव ना हुई सेंडर को, तो सेंडर फौरन समझ जाएगा कि या तो पैकेट जो है वहाँ पे पहुँच नहीं पाया या एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, दोनों में से कोई एक काम हुआ है। तो सेंडर क्या करेगा, उसी पैकेट को जो जिसको पहले भेजा था उसको दोबारा से रिट्रांसमिट कर देगा,
ठीक है। सो ये रीट्रांसमिशन से होगा क्या, इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, पैसे बढ़ जाएंगे, आपका इंटरनेट का डेटा ज्यादा यूज होगा, ठीक है। ये चीज है रीट्रांसमिशन, ठीक है। ओके, सो अगर आपका फ्रेम लॉस्ट हो जाए या एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाए, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे चलता हूँ। अच्छा एक और चीज, सॉरी मैं इधर बताना भूल गया, ठीक है यहाँ मैं। अच्छा देखिए, जब पैकेट वन इधर रिसीव होगा तो ये इस पैकेट को यहाँ रिसीव कर लेगा, ठीक है, ये पैकेट इस यहाँ रिसीव कर लेगा क्यों, और फिर तभी उसकी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ना। अब जब पैकेट वन उसको दोबारा रिसीव होगा तो क्या करेगा, जब दोबारा होगा तो वो डिटेक्ट कर देगा ये डुप्लीकेट है, वो इस पैकेट को क्या करेगा, डिलीट कर देगा, इस पैकेट को डिलीट कर देगा और एक्नॉलेजमेंट भेज देगा बस, ठीक है। सो रिसीवर जो है वो ओवरराइट नहीं करेगा डेटा को, ये जहन में रखिएगा, उसे वंस डेटा रिसीव कर लिया तो बस कर लिया, उसको दोबारा से रिसीव उसी पैकेट को, एक ही पैकेट को या एक ही फ्रेम को दोबारा रिसीव नहीं करेगा। ओके सो आगे चलते हैं, ठीक है। ओके आगे हमारे पास है जनाब पाइपलाइनिंग के प्रोटोकॉल या स्लाइडिंग विंडो का प्रोटोकॉल, ठीक है। सो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। थ्योरी को हम बाद में कवर करते हैं, पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, और उसको देखते हैं, ठीक है। और इसलिए मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, और ये आपको, ये दूसरा मेरे पास ये स्लाइड्स हैं, इनको शेयर करता हूँ। अच्छा ओके। अच्छा कोई एक बच्चा बेटे हैंड रेज कर लो जल्दी से, हमजा। अच्छा बेटे अनम्यूट करो। सर वालेकुम सलाम। अच्छा बेटे ऐसा है कि अभी मैं जब इसको करूँगा स्क्रीन को, ठीक है, तो यानी जब इसको स्लाइड को मैं प्ले करूँगा तो ये आपका ये सारा मेरे सामने से हट जाता है ना स्क्रीन, तो अगर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, यानी ये स्लाइड्स नज़र नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कह सकते हो, या कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। क्लियर है सब? ओके सर ओके सो मैं इसको प्ले करता हूँ। देखिए अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्लाइड्स की फॉर्म में मैं चंद चीज़ें आपको बताऊंगा और फिर उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके जो हमारा फ्लो कंट्रोल है, ठीक है, फ्लो कंट्रोल की डेफिनेशन देखिए क्या है। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स, ये प्रोग्राम्स हैं, याद रखिएगा, प्रोसीजर्स हैं या प्रोग्राम्स हैं जो क्या करते हैं, प्रोसीजर्स यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ डेटा अ ट्रांसमीटर कैन सेंड। किसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ट्रांसमीटर को, यानी जो सेंडर, सेंडिंग कंप्यूटर है उसको रोक रहे हैं कि कितना डेटा तुम सेंड कर सकते हो एक वक्त में, बिफोर वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट के का वेट करने तक कितना डेटा वो एक वक्त में सेंड कर सकता है। अगर वो सिर्फ एक बिट सेंड कर सकता है तो हम नॉर्मली कहते हैं कि ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। अच्छा अब जो मेथड हम यूज करते हैं उस मेथड को बोलते हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट या ऑटोमेटिक रिव्यू रिक्वेस्ट, ठीक है, ये मेथड है, याद रखिएगा, ये ARQ इसको बोलते हैं, ठीक है। सो ARQ के ये मेथड्स हैं, तीन मेथड्स हैं ARQ के अंदर। एक आपका मेथड है स्टॉप एंड वेट, दूसरा गो बैक एन, और तीसरा सिलेक्टिव रिपीट, ठीक है। ये तीन तरह के मेथड हैं, ठीक है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन होता है इसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं होता, ये भी जहन में रखिएगा, ठीक है। सो याद रखिएगा कि आसान क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना भी आसान है, ठीक है, तो ये अगर आप सीखेंगे तो आपको फायदा होगा।
ARQ क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ एरर कंट्रोल. सो इस ARQ क्या कहता है, ये एरर को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है. व्हेन एन एरर इज डिटेक्टेड, जब एरर आता है, अ रिक्वेस्ट इज मेड, तो रिक्वेस्ट बनती है फॉर रीट्रांसमिशन, यानी जिस सेंडर को कहा जाता है कि यार इसको रीट्रांसमिट कर दो, ठीक है, ऑफ, ठीक है, सिग्नल या फ्रेम को दोबारा से रीट्रांसमिट कर दो, जो डेटा नहीं आया उसको रीट्रांसमिट कर दो. वी नीड अ फीडबैक चैनल, जारी बात है, हमें एक फीडबैक चैनल चाहिए होता है. मैंने बताया कि उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट आपको आएगी, ठीक है. सो ये चैनल हमें चाहिए, ठीक है. और टाइप ऑफ ARQ सिस्टम कौन कौन से हैं? स्टॉप एंड वेट ARQ है, गो बैक एन ARQ है, सिलेक्टिव रिपीट और सिलेक्टिव रिजेक्ट ARQ है, ठीक है. ये तीन तरह के ARQ के मेथड्स हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं ARQ कैसे काम करता है, ठीक है. सो ये देखते हैं. सो एक मिनट में ज़रा ब्रेक ले लूँ, फिर इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है. जस्ट 1 मिनट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, आप लोगों को आवाज़ मेरी आ रही है? ठीक है जी. हमजा ओके, ठीक है. अब ऐसा करते हैं, इसको आगे चलते हाँ ओके. सो आप देखिए कि ARQ ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा. बेटे, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो अपना रेज कर दो हैंड, या अगर ये विंडो जो आपके साथ मैंने जो स्लाइड शेयर की हुई है, ये स्लाइड दिखाई नहीं दे रही, तो तब भी आप जो है ना हैंड रेज कर सकते हो, ठीक है. जब आप हैंड रेज करोगे तो मैं क्वेश्चन आपका ले लूंगा. ओके, सो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. तो ये हमारा क्वेश्चन है, हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है. ARQ का जो ऑपरेशन होता है वो इस तरह से होता है कि सेंडर जो है वो फ्रेम सेंड करता है और रिसीवर जो है एक्नॉलेजमेंट भेजता है, ठीक है. सो ये मेथड होता है. फिर जब एक्नॉलेजमेंट आती है तो सेंडर क्या करता है, अगला फ्रेम भेजता है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आती है, एंड देन अगला फ्रेम, एंड सो ऑन, ठीक है. ये नॉर्मल ऑपरेशन है. लेकिन अगर फर्ज करें एरर आ जाए,
अगर एरर आ जाए तो फिर क्या होगा, सेंडर जो है वो फ्रेम को सेंड करेगा और रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, लेकिन हुआ क्या, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट होगी। मैंने ये कहा अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई तो फिर क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट अगर हो गई तो जाहिर बात है ये जो सेंडर है ये कंट्रोल कर रहा है ना ट्रांसमिशन को, इसने अगला फ्रेम कब भेजना है, जब ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो, तो अब ये कितना वेट करेगा, बता सकते हैं कोई स्टूडेंट बता सकता है कि कितना वेट करेगा? जी सर, रिक्वेस्ट टाइम आउट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है बेटे, जो रिक्वेस्ट टाइम आउट है ना उसका टाइम कितना होता है आपको पता है, पिंग जब आप करते हो तो वहां पे एक टाइम लिखा होता है टीटीएल। यस सर, वो जो टीटीएल है ना, हाँ वो टीटीएल आपका टाइम आउट है, ठीक है, ये जो टाइम आउट है ना ये वो टीटीएल है, ठीक है, टाइम टू जो है ना टाइम टू लिव के पैकेट कितनी देर तक जिंदा है, वो जिंदगी उसकी खत्म हो गई ना, तो फिर सेंडर क्या करेगा, सेंडर को समझ आ गया अगर इतने टाइम तक यानी टीटीएल तक फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, वो समझ जाएगा फ्रेम नहीं पहुंचा, क्या करेगा, दोबारा से फ्रेम भेज देगा, ठीक है, टाइम आउट होगा और रिट्रांसमिशन अकर होगी। ये देखिए नीचे मैंने ये लिखा है, ठीक है, सो फ्रेम जीरो को दोबारा भेज देगा, ठीक है, अब जब ये पहुंच जाएगा, ठीक है, अब ये फ्रेम यहाँ पे रिसीव हो चुका था, ऑलरेडी रिसीव हो चुका था, अब दोबारा जब आएगा फिर दोबारा रिसीव नहीं करेगा, दोबारा वो इसको डिस्कार्ड कर देगा फ्रेम को और एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, बस रिसीवर ने ये काम करना है। सेंडर ने तो रिट्रांसमिट किया है ना, लेकिन रिसीवर ने दोबारा रिसीव नहीं करना, उसके पास ऑलरेडी ये पैकेट मौजूद है, क्लियर होगी बात। ओके, आगे चलते हैं। अब बेटे दूसरा एरर क्या है, दूसरा एरर ये हो सकता है कि फ्रेम लॉस्ट हो जाए, अगर फ्रेम लॉस्ट हो गया तो फिर क्या होगा, ठीक है, ये था लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, अभी फ्रेम लॉस्ट हो गया, फ्रेम अगर लॉस्ट हो गया तो जारी बात है रिसीवर तक तो पहुंचा ही नहीं, वो कभी भी आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, जब एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा तो अगेन आपका टाइम आउट होगा, आपका टाइम जो है गुजर जाएगा, आपका टीटीएल जो है पास हो जाएगा, जब पास हो जाएगा खत्म हो जाएगा टीटीएल, तो सिस्टम क्या करेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, टाइम आउट होगा और रिट्रांसमिट करेगा, ठीक है, सो वो रिट्रांसमिशन करेगा, फ्रेम को दोबारा रिट्रांसमिट करेगा और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट अगर आएगी तो ओके हो जाएगा काम, ठीक है। सो ये एआरक्यू क्या करता है, ये एरर हैंडलिंग का मैकेनिज्म है, ये सारा का सारा एआरक्यू का मैकेनिज्म है, याद रखिएगा। इस एआरक्यू के मैकेनिज्म के ऊपर जो पहला प्रोटोकॉल आपका बना दैट वॉज स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, ठीक है, स्टॉप एंड वेट आपका जब बन गया तो उसकी वर्किंग क्या है, उसकी वर्किंग ये है कि वो एक बिट एक वक्त में भेजता है, ठीक है, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि स्टॉप एंड वेट तो हम पढ़ चुके हैं तो मैं स्टॉप एंड वेट को डिस्कस उस तरह से नहीं करता, बल्कि मैं क्या करता हूँ, मैं पाइपलाइनिंग को यहाँ ले आता हूँ, यानी स्लाइडिंग विंडो जो फ्लो कंट्रोल है उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर दूसरा फ्लो कंट्रोल, ये जो मैकेनिज्म है, नया जो मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल, के विंडो को स्लाइड करने से फ्लो को कंट्रोल किया जाए, कैसे आप देखें इस तरह कैसे कंट्रोल होगा, इसको समझें, तो मैं इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताता हूं कि पहला क्या होगा कि फ्रेम चेक सीक्वेंस नंबर लगा होता है, हर फ्रेम को एक फ्रेम का नंबर लगा हुआ होगा, ठीक है, सो फ्रेम 1 2 3 4 जो भी है लगा होगा, ठीक है, जो आपका स्टॉप एंड वेट होता है उसमें फ्रेम नंबर के लिए सिर्फ एक बिट होती है, ज्यादा नहीं है, याद रखिएगा, यहाँ हमने ज्यादा शो की हुई है, ठीक है, तो एक बिट अगर होगी तो सिर्फ या जीरो होगी या वन होगी, इसी तरह फिर जो नेक्स्ट यानी थर्ड और फोर्थ फ्रेम की बात होगी तो वो भी या जीरो होगा या वन होगा एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह करके सेंड होगा, सो यार जीरो की एक्नॉलेजमेंट आएगी या वन की आएगी, इस तरह से होगा, क्लियर होगी बात। ओके, स्लाइडिंग विंडो क्या कहती है, स्लाइडिंग विंडो कहती है कि ट्रांसमिटर और रिसीवर दोनों के पास बफर होंगे, ठीक है, ये सेंडर है, सेंडर के पास ये बफर है, ठीक है, ये भरा हुआ है, ठीक है, ये डेटा सेंड इसने करना है और रिसीवर के पास अपना बफर है जो कि खाली है, याद रखिएगा ये जीरो भी इसके अंदर
पड़ा हुआ नहीं है, ये पहला पैकेट पहुंचने के बाद की कहानी है, ठीक है। ओके सो जो विंडो के अंदर, इस विंडो के अंदर जितनी भी बिट्स हैं, जितने भी फ्रेम्स हैं, वो सारे एक ही वक्त में सेंड कर देगा। कितने हैं फ्रेम इसके अंदर? इसके अंदर है सिर्फ एक फ्रेम। सो अभी क्या करेगा? सिर्फ एक फ्रेम सेंड करेगा। तो फ्रेम जीरो को सेंड किया और इसकी एक्नॉलेजमेंट वापस आई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो स्लाइडिंग विंडो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल जो वन बिट के लिए है, ये आपका स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल है, ठीक है। ओके इसको आगे चलाते हैं। नाउ जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई कि ये फ्रेम जीरो रिसीव हो चुका है, तो क्या होगा? ठीक है, याद रखिएगा, जब ये एक्नॉलेजमेंट सेंड हुई, पहले क्या होगा? रिसीवर क्या करेगा? इस एक्नॉलेजमेंट को सेंड करेगा। जो ही इसको सेंड करेगा, अभी ये रस्ते में ही है, अभी इसने इसको सेंड किया है, साथ ही साथ वो क्या करेगा? इस विंडो को आगे, यानी वो कहेगा अब फ्रेम नंबर वन भेजो। सो ये इस विंडो को आगे मूव कर देगा, ठीक है। अब वो वेट कर रहा है किसका? फ्रेम नंबर वन का, ठीक है। और जब एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे रिसीव होगी, तो ये सेंडर क्या करेगा? इस विंडो को मूव करेगा आगे और इस वाले फ्रेम को सेंड करेगा आगे। क्लियर? ठीक है। सो इसके रिसीव होते ही एक्नॉलेजमेंट के ये आगे मूव कर देगा, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। इसी तरह मजीद आगे जब फ्रेम वन आएगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी एंड सो ऑन, ठीक है। ओके सो उम्मीद है ये अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ मजीद। अब हम स्टॉप एंड वेट की बात करते हैं। स्टॉप एंड वेट में मैंने बता दिया आपको कि सेंडर जो है वो एक फ्रेम सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट आएगी एंड देन ये आगे मूव करेगा, ये भी आगे मूव करेगा, ठीक है। सो ये इस तरह से वन बिट प्रोटोकॉल जो मैंने आपको समझाया कि ये स्टॉप एंड वेट अगर स्लाइडिंग विंडो के थ्रू हम करें तो वो वन बिट प्रोटोकॉल है, यानी एक बिट का सीक्वेंस नंबर इसके अंदर होता है। तो विंडो साइज जो है वो वन है, ठीक है। सेंडर सेंड्स वन फ्रेम, स्टॉप सेंडिंग एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर, ठीक है, ये इसका रूल है। अब ये क्योंकि वेटिंग करता है, एक फ्रेम सेंड करता है और फिर इंतजार करता है इतने टाइम के लिए, हम कहते हैं कि ये स्लो है, ये डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। इसी तरह मजीद कोई फ्रेम आएगा तो उसकी एक्नॉलेजमेंट जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर स्टॉप एंड वेट में कोई एरर आया, तो स्टॉप एंड वेट में अगर एरर आ गया तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इस एरर को भी देखते हैं कि स्टॉप एंड वेट में जो एरर है उसको कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। सर एक मिनट के लिए वेट करेंगे, इसको मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं दोबारा से थोड़ा सा। जी उसामा बेटे अनम्यूट कर लें, बेशक आपको आवाज आ रही है मेरी। कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना था आपने? सॉरी जी बेटे उसामा क्या कह रहे थे? हैंड लोड करना भूल गया था। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बेशक अनम्यूट रखें आप बेटे। देखें कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना आपके जहन में, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई है जो चीज मैं बता रहा हूँ बेटे? मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये फ्लो कंट्रोल डिफिकल्ट है, मैं नहीं चाहता कि आप स्टोरीज लिखते रहें और लंबा लंबा टेक्स्ट लिखें क्वेश्चन के अंदर। आपको डेटा दिया होगा, ये कहा जाएगा कि सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ इसको मूव कर दें। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे डायग्राम बना के इसको सॉल्व करेंगे, और अगर कोई चीज़ लिखनी है तो लेफ्ट और राइट के ऊपर डायग्राम वाली सेंडर और रिसीविंग एंड पे, जो रिसीविंग एंड पे काम हो रहा है वो रिसीविंग एंड वाली साइड पे आप लिख देंगे, जो सेंडर वाली साइड पे होगा वो सेंडर वाली साइड पे लिख देंगे, ठीक है।
सो ये जी सर, मेथड होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसके एरर्स की, ठीक है। तो एरर्स मैंने बात की थी कि पहले क्या हुआ कि क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई, ठीक है। अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गई तो क्या होगा, टाइम आउट होगा और रिट्रांसमिशन अकर होगी, ठीक है। सो ये टाइम आउट हुआ और रिट्रांसमिशन अकर होगी, ये आपको मालूम है। और यहाँ विंडो जो है स्लाइड करती जाएगी, ये जहन में रखिएगा। अगर ये स्टॉप एंड वेट स्लाइडिंग विंडो के थ्रू काम कर रहा है तो इस तरह से काम करेगा। और इसमें तीन चीज़ें थी, लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट, लॉस्ट फ्रेम और डैमेज फ्रेम। ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में, इसलिए क्विक चला रहा हूँ। ओके, दूसरा एरर था आपका लॉस्ट फ्रेम, ठीक है। अगर फ्रेम लॉस्ट हो गया तो अगेन आप याद रखिएगा, रिसीवर जो है वो कोई रिसीवर जवाब नहीं देगा, क्योंकि रिसीवर को तो फ्रेम मिला ही कोई नहीं है, ठीक है। सो सेंडर जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी एक स्पेसिफिक टाइम आउट के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वेट करेगा। जब वो टाइम आउट हो जाएगा, टीटीएल आउट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो यानी फिर वो जो कुछ भी करना है आप, मतलब वो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मेथड है, ठीक है। अब देखिए, फ्रेम वन नहीं आया, टाइम आउट हो गया, टाइम आउट के बाद क्या होगा, फ्रेम वन दोबारा भेजा जाएगा और एक्नॉलेजमेंट जाएगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि अगर फ्रेम डैमेज हो गया, फ्रेम जीरो जो है सेंड हुआ, एक्नॉलेजमेंट जीरो आ गई, फ्रेम वन जब सेंड हुआ रिसीवर के पास पहुंचा तो उसने डिटेक्ट किया कि ये डैमेज फ्रेम है, तो वो क्या करता है, वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है फ्रेम वन की, ठीक है। तो जो सेंडर है वो क्या करेगा, वो फ्रेम वन को दोबारा से सेंड करेगा, ठीक है, और इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी और डन हो जाएगा काम। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब हम बात करते हैं गो बैक एन की, ठीक है। गो बैक एन क्या करता है, गो बैक एन ये करता है कि जहां पे एरर आ जाए वहां पे वापस भेजता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये क्या करता है। अभी पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसका मेथड देखते हैं कि गो बैक एन क्या करता है। अब गो बैक एन में जो विंडो का साइज होता है कि विंडो के अंदर कितनी बिट्स हैं, वो डिफाइंड होती हैं, ठीक है। मसलन हमने कहा कि विंडो के अंदर फोर जो है फ्रेम्स को वो एक वक्त में भेजेगा, ठीक है, ये सपोज कर लिया। तो ये मैंने मैंने क्या किया, मैंने एन इज इक्वल टू फोर लिया हुआ है, ठीक है। अगर पेपर में आपको एन एन इज इक्वल टू टू गिवन है तो आपने टू दो फ्रेम्स के ऊपर इस रेड वाली लाइन को बनाना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओके, क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, नाउ अब देखिए, मैं डेटा को सेंड करता हूँ, देखिए इसका प्रोसीजर देखते हैं। डेटा सेंड हुआ, अब देखिए, अब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहले स्टॉप एंड वेट में क्या था कि एक बिट भेजेगा और फिर रुक जाएगा, गो बैक एन नहीं रुकेगा जब तक के विंडो के अंदर पड़ी हुई सारी बिट्स भेज ना दे, ठीक है। और रिसीवर, फिर अगर रिसीवर की स्पीड ज्यादा है और रिसीवर तक एक पैकेट जल्दी पहुंच गया तो वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर देगा, हो सकता है वो चारों फ्रेम्स उसको यानी रिसीव हो, उसके बाद उसको एक्नॉलेजमेंट चारों की इकट्ठी भेजनी पड़ जाए, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर होगी? अब देखें, फ्रेम जीरो गया, साथ ही साथ उसने क्या किया, फ्रेम वन भी भेज दिया, वेट नहीं कर रहा, एक्नॉलेजमेंट का वेट किया इसने यहाँ पर? नो सर, नहीं किया, ठीक है। अब देखें, सपोज हम करते हैं, मैं ये सपोज कर रहा हूँ, आपने ये काम नहीं करना, जो काम मैं कर रहा हूँ वो आपने नहीं करना। आपने क्या करना है, ये जो विंडो है इस विंडो के अंदर जितने भी आपके फ्रेम्स है वो सारे सेंड कर देने हैं। आपने क्या करना है, फ्रेम जीरो भी सेंड करना है, वन भी सेंड करना है, टू भी सेंड करना है, थ्री भी सेंड करना है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट की बात करनी है। क्लियर होगी बात? यस सर। मैं ये दो फ्रेम के बाद एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करो वो डिफरेंट हो और जो मैंने सॉल्व किया है वो डिफरेंट हो। कोई चीटिंग मारेगा तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके, एक्नॉलेजमेंट आ गई जनाब जीरो, ठीक है। अब यार, ठीक है, अब क्या होगा, जब एक्नॉलेजमेंट आएगी गो बैक एन के केस में,
तो गो बैक एंड प्रोटोकॉल क्या करेगा, विंडो को स्लाइड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. देख रहे हो कैसे स्लाइड हुई है. ठीक है, क्लियर हुई बात? नजर नहीं एक ऐसा स्लाइड हुई बेटे. देखो देखो, ये जो पहला था ये वाला फ्रेम जीरो यहाँ रिसीव हुआ. ठीक है, रिसीव हो गया ना. जब ये फ्रेम जीरो रिसीव हुआ तो इसने क्या किया, इस विंडो को यहाँ से आगे स्लाइड किया. ठीक है, रिसीवर ने ये काम किया है. और जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी इसको पहले पैकेट की यानी पैकेट जीरो की, तो ये क्या करेगा, ये इस विंडो को अपनी विंडो को आगे यानी फॉरवर्ड स्लाइड करेगा. देखें यहां से उसने आगे कर दी. ये बात भी क्लियर होगी. याद रखिएगा, सेंडर एक्नॉलेजमेंट की बेस पे काम करेगा और रिसीवर जो है फ्रेम की बुनियाद पे काम करेगा. ये चीज क्लियर है आपको, तो फिर मसला आपको समझ आ गया. ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, ठीक है, चलो शाबाश. आगे बेटे इसको चलाते हैं. नाउ अब देखें, अब ये जो फ्रेम वन है इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी. जब फ्रेम वन की, देखिए फ्रेम वन भी रिसीव हो गया ना इधर. जब फ्रेम वन रिसीव हुआ तो इसने क्या किया, इसने इसको आगे कर दिया. आगे फॉरवर्ड कर. देख रहे हो आप? यस सर. अच्छा एक मिनट बेटे, जरा होल्ड करना आप लोग. ओके सो ओके सॉरी बेटे, वो आपके वो सीआर की बेसिकली था और वो चाह रहा था कि भाई उसका कोई प्रॉब्लम था, तो अभी वो भी ज्वाइन करेंगे. तो बहरहाल ये है कि मोस्टली आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये है कि मोस्टली को अगर आप समझ आ जाए तो इट्स ओके ना. हमें ये होता है कि ज़्यादा बच्चे जो है ज्वाइन कर लें, कम अगर नहीं होते चलें, वो फिर बाद में वीडियो देख के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को. बट बेटे मेरा ये होता है कि मैं एक आसान मेथड से बता रहा होता हूँ, तो कोशिश ये होती है कि आपको ये समझ आए. ओके, मैं ये कह रहा था कि देखिए रिसीवर जो है वो फ्रेम के रिसीव होने पे अपने बफर को के ऊपर विंडो को स्लाइड कर रहा है, याद रखिएगा. और जो सेंडर है वो क्या कर रहा है, वो एक्नॉलेजमेंट की बेस पे कर रहा है. अभी देखिए यहाँ एक्नॉलेजमेंट जब रिसीव हुई तो उसने ये वाली लाइन बनाई, लेकिन यहाँ पे कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई. अभी देखे ये एक और एक्नॉलेजमेंट यहाँ. मैंने देखे डायग्राम में जगह कम है तो मैं इस तरह इसको सीक्वेंस में बताया और इनको मैं सिंक्रोनाइज नहीं कर पाया. ठीक है, सो ये एक्नॉलेजमेंट जब आएगी तो ये फ्रेम जो है आपका नजर आएगा. क्लियर होगी बात? ठीक है, और अब जब एक्नॉलेजमेंट वन आएगी तो ये क्या करेगा, ये इस फ्रेम, इस जो आपकी विंडो है इसको स्लाइड करके आगे कर देगा. यहां तक क्लियर हो गया? आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. ठीक है, ओके सो मैं आगे चलाता हूं अब. ठीक है, सो आप देख रहे हो कि गो बैक एन किस तरह काम कर रहा है. ठीक है, इसी
फैशन में वो जितना भी आपका डेटा है, ठीक है, यहाँ से ये अभी देखें दो आपके फ्रेम्स जो हैं इधर वो सेंड कर चुका है और यहाँ पर भी दो फ्रेम्स रिसीव हो चुके हैं, और जो ये थर्ड वाला फ्रेम है ये अभी ट्रांसमिट होगा, ठीक है। सो जब इसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी टू की, तो ये टू का जो है फिर ये आगे मूव कर दिया जाएगा, ये इसने मूव किया आगे, एंड देन फिर हम कहते हैं कि जनाब फ्रेम थ्री जब इधर रिसीव हुआ तो ये इधर से आगे मूव होगा, ठीक है, और ये इस तरह से, ठीक है। सो इसी तरह से ये सारा अब मूव करेगा, और यहाँ पर ये सारा आप ये फ्रेम्स जो है यहाँ बनाते जाएंगे साइड में, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको कुछ लिखना पड़े तो आप ये लिख सकते हो कि अगर रिट्रांसमिशन होती है तो आप रिट्रांसमिशन जब एरर अकर करता है ना तो एरर के बारे में आप यकीनन लिखते हैं, ठीक है। सो क्लियर है आपको, ठीक है। अच्छा फिर जी, इसको आगे करते जाएंगे। ये फोर का पैकेट है तो लास्ट पे आगे ये तीन बज जाएंगे, 6 7 8। इस टाइम 4 होगा, इस टाइम 7 8 9 होगा, इस टाइम 3 बज जाएंगे। इस टाइम हाँ किस अगर अब हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। अच्छा ये देखो मैं बना देता हूँ, ये नहीं बनाया हुआ, ठीक है, आपके जहन में ये आता है ना क्वेश्चन, तो इसको यूं करता हूँ, ठीक है। देखिए फर्ज करें, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ना ताकि ये सेम आ जाए मेरे पास। फर्ज करें यहाँ पे आ जाता हूँ, तो ऑब्वियसली एक्नॉलेजमेंट जो 8 है वो मुझे रिसीव हुई है ना, इसको इधर कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। क्लियर हो गया। एक्नॉलेजमेंट जैसे 8 जब आएगी तो वो क्या करेगा, यहाँ होगा, बात समझ आ गई, ठीक है। सर पैकेट इसी में से 4 के हाँ लिखना है अगर। हाँ जब 9 की एक्नॉलेजमेंट आएगी तो फिर क्या करेगा, ये इससे ये जो स्लाइडर है ये इससे आगे चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब क्लियर है, ओके सर, ठीक है, समझ आ यस गई सर, ना, ठीक है। सो बेटा हाँ जी सर। ये जो चीज है ना ये इस तरह से है, ठीक है, तो उम्मीद है ये अब आपको सर ये, रिसीविंग एंड पे भी इस तरह ही होगा। हाँ बिल्कुल, रिसीविंग एंड पे भी इसी तरह होगा, ठीक है। याद रखिएगा रिसीविंग एंड किस बेस पे काम कर रहा है वो भूलना नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये इसको मैंने उधर देखें, इस फ्रेम को मैंने पता ही क्यों इधर रखा था, यहाँ वहाँ आगे क्यों किया था, देखिए वो नजर नहीं आ रहा था ना, अगर मैं यहाँ पे अगर करता ये तो ये क्या आता, ये डायग्राम के ऊपर आ जाता। क्लियर होगी यस बात, सर, ठीक है। लेकिन ये विंडो उसी तरह रहेगी, विंडो का साइज उतना ही रहेगा, ठीक है, और आगे डेटा आता जाएगा, डेटा मजीद आता जाएगा विंडो के अंदर, और विंडो स्लाइड होती जाएगी, ये इस तरह से होता है काम। क्लियर होगी बात, ठीक है, यस सर, ओके। उम्मीद है ये बेटे आप लोगों को समझ आ गया। और अगर मैं 9 के ऊपर अगर ये बात करते हो ना तो ये इस तरह से होगा, यानी मैं कहता हूं कि इसी को यहां पे अगर मैं कहूँ ना कि 9 वाला रिसीव हुआ है, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखा यस होगा, इसके अंदर जो आपका 9 तक वैल्यू लिखी हुई होगी, यहाँ तक 3 के बाद क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, ठीक है, ये सारे पैकेट आपके फ्रेम्स रिसीव हो गए। क्लियर होगी बात, ये इस तरह से होगा। अब क्लियर है सब, ठीक है, यस सर, समझ आ गई, ओके। ये इस तरह से है, ये थोड़ा सा क्योंकि ऐसे ऑकवर्ड सा लग रहा था तो मैंने इस वजह से शायद ये बनाया नहीं था, ठीक है। सो ये चीजें ऐसी हैं, लेकिन चलो अगर अगर मैं इसको यूं कर दूं कि इसको मैं इधर कर ठीक है, दूं, समझ आ गया। ठीक है, सो ये अगर चलें, ये नेक्स्ट भी कोई आता है ना तो उसके लिए भी ये हो जाएगी, ठीक है, अगर इसको सेव कर दें हम लोग, और ये अब देखें ये चीज ऐसे होगी, ठीक है। अब देखें ये इस तरह हो गया, ये इस तरह हो गया एंड पे, ठीक है। जब ये इधर आया तो ये हो गया, और ये 8 के ऊपर ये सिचुएशन है, और 9 के ऊपर इससे अगला स्टेप हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है, वैसा ओके। अब हम बेटे बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। नेक्स्ट चीज क्या है कि गो बैक एन के ऊपर कोई एरर आया, ठीक है, तो अगर इधर एरर आए, अब देखें आपको याद होगा जो स्टॉप एंड वेट का मैंने आपको बताया उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, उसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि वो क्या करता था, वो डेटा सेंड करता था फिर वेट करने बैठ जाता था, यही कर रहा था ना वो। सर, अब ये वेट कर रहा है आपका, नो सर, वेट नहीं कर रहा, ये डेटा सेंड करे जा रहा है, ठीक है।
सो ये याद रखिएगा कि ये डेटा ये और ये उस वक्त हुआ है जब आपके डुप्लेक्स चैनल आया, जिसमें सेंड भी और रिसीव भी एक ही वक्त में किया जा सकता है, जो आपके ट्विस्टेड पेयर केबल जो आपकी है, ठीक है, उसमें आपको याद है कि सेंड के लिए अलहदा पेयर है और रिसीव के लिए अलहदा पेयर है, याद होगा आपको, क्योंकि आपने केबल भी बनाई है, आपको याद है वो जो दो पेयर हैं वो एक सेंड का एक रिसीव का जो क्रॉस होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो क्रॉस केबल में आप क्रॉस करते हो ना, यानी चार वायर्स होती हैं ना जिनको आप इंटरचेंज करते हो, तो आप ट्रांसमिट को रिसीव और रिसीव को ट्रांसमिट करते हो, असल में ये कर रहे होते हो आप, ठीक है, तो यानी वो यानी एक ये जो आपकी स्टार टोपोलॉजी है, इसमें एक ही वक्त में कंप्यूटर डेटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, सो ये डुप्लेक्स इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखें, गो बैक एन में अगर एरर आ गया तो क्या होगा, देखिए फ्रेम उसने भेजा, पहले ये विंडो थी, विंडो में से जीरो भी भेजा, फर्ज करें वन भी भेज दिया, अब क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट जीरो आ गई है, याद रखिएगा, अगर ये ना आती तो सिचुएशन कुछ और होती, ठीक है, जो चीज आप बनाएंगे वो उसके मुताबिक बनेगी, वन भी आ गई है, इसका मतलब ये है कि ये विंडो जो है स्लाइड करके आगे चली जाएगी, ठीक है, और ये विंडो भी स्लाइड करके आगे जाएगी, ठीक है, आप देखें जीरो और वन की एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है, ये विंडो आगे चली गई है। अब हुआ क्या, अब ये जो फ्रेम टू है ये लॉस्ट हो गया, देख रहे हो आप, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ है, साथ ही साथ इसने क्या किया, फ्रेम, क्योंकि ये तो भेजे जा रहा है ना, देखें इस विंडो के अंदर से ये डेटा भेज रहा है, सो ये थ्री भी भेज देगा, फोर भी भेज देगा, फाइव भी भेज देगा, ठीक है, सो ये सारे पैकेट इसने भेज दिए, क्लियर हो गई बात, ठीक है, क्योंकि ये तो स्पीड से भेजे चले जा रहा है ना, ठीक है, अब इसने ये भेज दिए, जब इसने भेज दिए तो क्या करेगा, अब इसने भेजने के बाद क्या होगा, अब इसको ये वाली जो ये जो रिसीवर है ना, रिसीवर के पास जब फ्रेम टू रिसीव नहीं, वो वेट किसका कर रहा है, रिसीवर फ्रेम टू का, फ्रेम टू का सर थ्री लेकिन रिसीव उसको कौन सा हुआ है, फ्रेम थ्री, तो ये क्या करेगा, ये फ्रेम थ्री को रिसीव नहीं करेगा, ठीक है, उतनी देर में फ्रेम फोर भी आ गया, फाइव भी आ गया, इनको भी रिसीव नहीं करेगा, ना थ्री को रिसीव करेगा, ना फोर को, ना फाइव को, क्योंकि इसको टू चाहिए, ये इस विंडो को आगे नहीं मूव कर सकता जब तक कि फ्रेम टू के अंदर वैल्यू ना आए, ठीक है, ये इसका रूल है, याद रखिएगा, इसके बगैर ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, ये सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकता, क्लियर होगी बात, यस सर तो अगर फ्रेम थ्री पहले रिसीव हो जाए तो क्या हर्ज होगा, क्या मसला बनेगा, करेगी फर्ज करो कर ले, टू से पहले थ्री को रिसीव करे, उसके बाद टू को रिसीव करे, तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम ऑर्डर आएगी, ऑर्डर जो है ओपन शो ऑर्डर सॉर्टिंग गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको कौन सा एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा ऑर्डर ठीक करने के लिए, का सर सॉर्टिंग का, ठीक है, तो ये जो गो बैक एन है बेटे, इसके अंदर सॉर्टिंग का प्रोग्राम मौजूद नहीं है, क्लियर होगी बात, ठीक है, सो ये सॉर्ट नहीं कर सकता, इस वजह से ये काम कर रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अब एरर किसके ऊपर आया है, एरर टू पे आया है, ये जो रिसीव, हाँ रिसीवर, जब रिसीवर को जब जो ही ये थ्री रिसीव होगा ना, रिसीवर को ये पता चल जाएगा, अब रिसीवर ने प्रोसेसिंग की और क्या किया, एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट तैयार